तो फाइनली गाइस मैंने अपनी गेम के अंदर बिगल एरोप्लेन का डोर ओपन कर लिया और उसी के साथ आप सब लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर बिगल एरोप्लेन को यहाँ पर ड्राइव कर पा रहा हूँ। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो यहाँ पर बिगल एरोप्लेन है वो यहाँ पर रनवे पर आ चुका है। फटाफट से यहाँ पर अपने बिगल एरोप्लेन को यहाँ पर मैं टेक ऑफ करता हूँ। आप सब लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पर बिगल एरोप्लेन यहाँ पर उड़ रहा है हमारे गेम के अंदर। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर फिर से हम सब लोग मिथ बसेस को कंफर्म या फिर बस करने जा रहे हैं। तो इस वजह से गाइज वीडियो काफी अमेजिंग होने जाए, तो इसलिए अभी तक आप सब लोग हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कुछ देर करे जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलो यहाँ पर बिना कोई टाइम गवाए फटाफट से हम लोग अपने सबसे पहले वाली मिथ की तरफ बढ़ लेते हैं। मिथ 50-50 वाले डायनासोर का ऑप्शन डॉग का आता है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। फटाफट से अपने सेलफोन निकालता हूँ, 50-50 यहाँ पर डायल करता हूँ और 50-50 से तो हमारे यहाँ पर वेलोसिराप्टर डायनासोर आता है। फटाफट से इसके अंदर बैठता हूँ। सब लोग देख सो इसके अंदर जो बैठने का ऑप्शन आ रहा है वो सच्ची में यहाँ पर डॉग का ऑप्शन आ रहा है। सब लोग यहाँ पर डॉग को भी यहाँ पर स्पॉन करके दिखा देता हूँ कि डॉग के अंदर बैठने का ऑप्शन हम लोग को किस तरीके से देखने को मिलता है। मैं डॉग के पास आ चुका हूँ, सब लोग यहाँ पर डॉग के अंदर बैठने का बटन देख सकते हो। जो हमारे वेलोसिराप्टर के अंदर भी बैठने का बटन आ रहा है वो भी यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर डॉग के जैसे आ रहा है। जैसे कि डॉग के अंदर हम लोग को बैठने का बटन आता है उस तरीके से यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर वेलोसिराप्टर के अंदर बैठने का बटन आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला मैथ हमारा कंफर्म होता है, हमारे वेलोसिराप्टर के अंदर डॉग का ऑप्शन आता है बैठने का। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मिथ अगर कार स्पोन करो और उसके ऊपर बोर्ड को स्पोन करो और स्काईफॉल का कोड इन दोनों के साथ एक साथ क्लिक करो फिर होगा मैजिक। तो यार यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारा यहाँ पर मैजिक होता है। फटाफट से अपनी यहाँ पर बोर्ड को स्पॉन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड का चीट कोड नंबर 3001 है हमारी बोर्ड का चीट कोड नंबर। फटाफट से इसके ऊपर यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट थार को स्पॉन कर लेता हूँ जो कि दूसरी थार है, उसका चीट कोड नंबर 9191। तो यहाँ पर थार और बोर्ड दोनों के दोनों आ चुकी है। तो फटाफट से इन दोनों के यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है साथ में बैठने का। सबसे पहले तो अपनी इनफ्लाइट हेल्थ लगा लेता हूँ, 9129 इनफ्लाइट हेल्थ का चीट कोड नंबर। फटाफट से स्काई फुल करता हूँ, इनके अंदर बैठने का भी बटन यहाँ पर फटाफट से दबा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक साथ कर दिया। एंड भाई साहब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को तो बिल्कुल आसमान देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अरे यार सच्ची में मेरे को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, बस यहाँ पर मेरे को आसमान ही देखने को मिल रहा है। आप सब लोग देख सकते हो, आप सब लोग को भी यहाँ पर इसका ही देखने को मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पर फटाफट से थार के अंदर और बोट के अंदर बैठने का ऑप्शन आया और यहाँ पर मैंने स्काई फुल किया, तो आप सब लोग देख सकते हो मेरे को भाई साहब यहाँ पर बस स्काई का यहाँ पर व्यू देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर हमारा मैजिक हो चुका है क्योंकि यहाँ पर देखो सारे के सारे बटन पर क्लिक कर रहा हूँ पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, किसी पर भी क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं खुल रहा, तो यहाँ पर मैजिक हो चुका है। तो ये वाला मैथ हमारा कन्फर्म होता है। अगर आप स्टिक में बनकर थार और साइकिल के साथ साथ स्काई फोन लगाओ फिर देखो होगा मैजिक। अच्छा अब यार अब पता नहीं यहाँ पर कौन सा मैजिक होगा। फटाफट से यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी इनफिनाइट हेल्थ लगा लेता हूँ, इनफिनाइट हेल्थ का चीट कोड नंबर 9129। अब फटाफट से उसके बाद यहाँ पर मैं स्टिक की बॉम निकालता हूँ, फटाफट से जमीन पर यहाँ पर स्टिक बॉम लगाना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टिक बॉम मेरे ख्याल से थोड़े बहुत ही लगाने चाहिए हम लोग को, काफी ज्यादा तो यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा। फटाफट से यहाँ पर स्टिक बॉम लगा लेता हूँ, इतने कुछ काफी है स्टिक बॉम, फटाफट से इनके ऊपर खड़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फटाफट से स्काई फोन का चीट कोड नंबर यहाँ पर मैं एक्टिवेट करता हूँ, फटाफट से सेलफोन निकालता हूँ एंड 1120 हमारे स्काई फोन का चीट कोड नंबर। यहाँ पर मेरा कटरा स्काई फोन करने लग चुका है, आसमान से गिरने लग चुका है। फटाफट से यहाँ पर जैसे इन स्टिकी बॉम के ऊपर गिरेगा तो यहाँ पर फटाफट से हमारा करेक्टर स्टिकी मैन बन जाएगा एंड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने मिथ को यहाँ पर सरंजाम देने वाले। तो यहाँ पर हमारा करेक्टर नीचे आ चुका है, अब सब लोग देख सकते हो हमारा करेक्टर यहाँ पर स्टिकी मैन बन चुका है। अब चलो फटाफट से बिना कोई देरी करे फटाफट से अपनी सेलफोन निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी थार को स्पॉन कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद यहाँ पर साइकिल को स्पॉन कर लेते हैं। सबसे पहले तो साइकिल को स्पॉन कर लेते हैं, साइकिल का चीट कोड नंबर है 4x1 एंड उसके बाद यहाँ पर फटाफट से हम लोग अपनी थार को स्पॉन कर लेते हैं। थार का जो चीट कोड नंबर है आप सब लोग को पता ही होगा, जो हमारी न्यू वाली थार है उसका चीट कोड नंबर है यहाँ पर 9191। फटाफट से यहाँ पर मैं थार को स्पॉन कर लेता हूँ पर थार को यहाँ पर थोड़ा बहुत उल्टा स्पॉन करूंगा ताकि यहाँ पर इन दोनों के अंदर बैठने का बटन यहाँ पर मेरे को आ जाए। आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारी थार यहाँ पर फटाफट से आ चुकी है, फटाफट से इन दोनों के पास चलता हूँ। इन दोनों के अंदर यहाँ पर बैठने का बटन तो आ रहा था पर यहाँ पर मेरी साइकिल यहाँ पर दूर भाग चुकी है। फटाफट से एक और साइकिल को स्पॉन करता हूँ, साइकिल का चीट कोड नंबर 4x1 है तो यहाँ पर मेरी साइकिल आ चुकी है। फटाफट से इन दोनों के अंदर बैठते हैं, दोनों के अंदर बैठने का ऑप्शन आ रहा है। फटाफट से स्काई फॉल यहाँ पर करते हैं, इन दोनों के अंदर बैठने का बटन भी एक साथ दबा देते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों चीजें एक साथ कर दी है, यहाँ पर देखो मैं साइकिल पर आ चुका हूँ और साइकिल पर तो कोई भी नहीं बैठा हुआ, साइकिल को तो भूत चला रहा है यहाँ पर। अरे भाई यार सच्ची में आप लोग देखो साइकिल को तो कोई नहीं चला रहा पर यहाँ पर देखो फर्स्ट पर्सन किया तो यहाँ पर मेरे को स्टिकी बॉम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर देखो मैं तीर को इधर उधर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हूँ तो स्टिकी बॉम भी उधर उसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो हमारा करेक्टर है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है पर यहाँ पर आप सब लोग देखो सच्ची में ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर भूत चला रहा है भाई साहब हमारी साइकिल को, कोई इनविजिबल बंदा यहाँ पर मिस्टर इंडिया यहाँ पर बनकर हमारी यहाँ पर साइकिल को चला रहा है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट पर्सन कर रहा हूँ मेरे को यहाँ पर इतना ऊपर यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर थर्ड कैमरा यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यहाँ पर दिखा रहा है, फर्स्ट पर्सन का व्यू तो बहुत ज्यादा ऊपर दिखा रहा है और यहाँ पर देखो मेरा कैरेक्टर तो भाई साहब पता नहीं दिख नहीं रहा पर अब देखो मेरा कैरेक्टर यहाँ पर मेरे को दिख चुका है। अरे मुझे तो यही नहीं पता चल पा रहा कि मेरा कैरेक्टर आखिरकार साइकिल को कैसे चला रहा है पर यहाँ पर मेरा खतरनाक सा मैजिक हो चुका है क्योंकि मेरे कैरेक्टर की टांगे और हाथ इतने ज्यादा लंबे हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कन्फर्म होता है यार। यहाँ पर दोस्तों ये वाला मिथ आप मोड ऑन करके फर्स्ट पर्सन में फोन नहीं चला सकते। ये क्या बात
ये क्या बात करता है यार। फर्स्ट पर्सन में फोन नहीं चला सकते ये तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फटाफट से अपनी सेल फोन निकालते हैं एंड यहाँ पर हम लोग आरजी सूल के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर मोड ऑन लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग फर्स्ट पर्सन करके यहाँ पर फोन को चला सकते हैं या फिर नहीं। और पता नहीं यहाँ पर मोड ऑन भी यहाँ पर मेरे को कैसा लिखना पड़ेगा, MODE वाला। यहाँ पर तो ये वर्क नहीं किया, पर यहाँ पर MODON यहाँ पर वर्क करने वाला है। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मोड ऑन हो चुका है। फटाफट से यहाँ पर फर्स्ट पर्सन करता हूँ एंड यहाँ पर मैंने अपनी सेल फोन निकाल दिए एंड आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं सेल फोन के अंदर भाई सब सारे के सारे बटन पर क्लिक कर पा रहा हूँ। क्लिक तो कर पा रहा हूँ पर आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे बटन से ना ही यहाँ पर हमारा आरजी स्टूल खुल रहा है और ना ही यहाँ पर हमारी गैलरी खुल रही है और ना ही यहाँ पर हमारे कॉन्टेक्ट खुल रहे हैं। पर यहाँ पर जैसे मैं फर्स्ट पर्सन से हटा रहा हूँ एंड यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो अब यहाँ पर मैं अपनी फोन को यहाँ पर चला सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो चीट कोड डाल रहा हूँ तो यहाँ पर चीट कोड भी वर्क कर रहे हैं। पर यहाँ पर जैसे आप सब लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर जैसे मैं फर्स्ट पर्सन करता हूँ एंड यहाँ पर फर्स्ट पर्सन करके यहाँ पर अगर मैं फोन चलाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी गेम के अंदर फोन यहाँ पर नहीं चला सकता। तो यहाँ पर वाला मैं तुम्हारा कन्फर्म होता है। अगर हम लोग आरजी स्टूल के अंदर जाके मोड ऑन लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पर्सन करके अपनी मोबाइल को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। पर फर्स्ट पर्सन जैसे ही हटाएंगे तो हम लोग अपनी मोबाइल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फिर हमारे सारे के सारे चीट कोड वर्क करेंगे। बाकी मोड ऑन करके हम लोग फोन नहीं चला सकते फर्स्ट पर्सन में। बढ़ लेते हैं अगले मिथ की तरफ। मित्र फॉर्चुनर का चीट कोड मिलाकर फॉर्चुनर के टायर पे देखोगे तो आरजीएस लिखा हुआ है। हाँ, ये कर लो पहले। अब यार मैं तो कब से लेके गेम खेल रहा हूँ पर मुझे तो ये ही नहीं पता था कि भाई साहब फॉर्चुनर के जो टायर है उन पर आरजीएस का लोगो है। फटाफट से अपनी फॉर्चुनर को स्पिन करते हैं। फॉर्चुनर का चीट कोड नंबर 1000। फटाफट से फॉर्चुनर के टायर पर देखते हैं आरजीएस सच्ची में लिखा हुआ है या फिर नहीं, या फिर आरजीएस का लोगो यहाँ पर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने स्नैपर निकाल दिए, स्नैपर से जूम कर दिया। आप सब लोग देख सो जो फॉर्चुनर के यहाँ पर अलॉय लगे हुए उनके बीच में ही भाई साहब यहाँ पर आरजीएस का लोगो लगा हुआ है। आप सब लोग को यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा होगा। क्लियर वैसे तो नहीं देखने को मिलता पर यहाँ पर स्नाइपर से जूम करते हैं फिर हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर दूसरे टायर के ऊपर भी यहाँ पर हमारे आरजीएस का लोगो है। फटाफट से इन चारों टायर्स के अंदर देखते हैं कि चार टायर्स के अंदर ही भाई साहब यहाँ पर हमारे आरजीएस का लोगो है या फिर नहीं। यहाँ पर देख सकते हो तीसरे टायर के अंदर भी यहाँ पर आरजीएस का लोगो लगा हुआ है। अब यहाँ पर बारी है चौथे टायर की, तो यहाँ पर देख सकते हो चौथे टायर के अंदर भी यहाँ पर आरजीएस का लोगो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा कन्फर्म होता है जो हमारी फॉर्चुनर उसके टायर्स पर उसके टायर्स के अलॉय पर अगर हम लोग जूम करते हैं तो हम लोग को आरजीएस का लोगो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा कन्फर्म होता है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मित्र बाजीसुर में हेलीकॉप्टर लिखोगे तो उड़ेंगे आसमान में, या अगर आप हेली भी लिखोगे तो हेलीकॉप्टर्स उड़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अभी यार पता नहीं यहाँ पर ऐसा होता है या फिर नहीं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर कभी ट्राई नहीं किया। फटाफट से आरजीएस के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हम लोग हेलीकॉप्टर टाइप करते हैं, फिर यहाँ पर टिक करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर लिखा हुआ आ चुका है। फटाफट से यहाँ पर मैंने टिक कर दिया एंड यहाँ पर देखो मेरे कुछ तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ चुका है आरजीएस टूल का। पर यहाँ पर मेरे को हेलीकॉप्टर तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सब लोग यहाँ पर देखो आसमान के अंदर यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, पर यहाँ पर देखो मेरे को तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर आसमान के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। अभी यहाँ पर मैंने अपनी स्नाइपर निकाल दी, स्नाइपर से भी यहाँ पर देखो मेरे को तो यहाँ पर आसमान के अंदर कोई सा हेलीकॉप्टर देखने को नहीं मिल रहा। फटाफट से आरजीएस के अंदर हेली लिख के देखते हैं, क्या पता हेली की मदद से यहाँ पर हमारा कोई हेलीकॉप्टर आ जाए। अभी यहाँ पर मैंने हेली लिख दिया तो आप सब लोग देख सकते हो अभी भी यहाँ पर आसमान के अंदर कोई सा भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा। पर यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर मेरे को फाइनली यहाँ पर हेलीकॉप्टर दिख चुका है, आप सब लोग यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा होगा। फटाफट से मैं आप सब लोग को स्नाइपर से यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी स्नाइपर गन निकाल दी, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर हमारा आसमान के अंदर उड़ रहा है। अभी तो यहाँ पर मेरे को एक ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर आसमान के अंदर दिखा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो यहाँ पर लिखे थे, एक तो हेलीकॉप्टर लिखा था और एक तो हेली लिखा था। दोनों के अंदर यहाँ पर नीचे मेरे को कुछ देखने को मिला था। अभी यहाँ पर देखो मेरे ख्याल से वो देखो भाई साहब, मतलब कि अगर हम लोग आरजीएस के अंदर हेलीकॉप्टर लिखेंगे तो भी आसमान के अंदर यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, अगर हम लोग हेली भी लिखेंगे तो भी यहाँ पर आसमान के अंदर हेलीकॉप्टर्स उड़ते ही रहते हैं, फिर हम लोग जितने बार भी यहाँ पर लिखेंगे तो आसमान के अंदर उतने यहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर स्पॉन होते रहेंगे। तो यहाँ पर ये वाला मिथ हमारा कन्फर्म होता है यार। यहाँ पर दोस्तों तो फिर बढ़ते हैं अगले मिथ की तरफ। यहाँ पर हम लोग मित्र हमारे कार और निसान जीटीआर कार में एक साथ बैठोगे तो देखो मैजिक। तो यार यहाँ पर हम लोग इस वाले मिथ को भी ट्राई कर लेते हैं। फटाफट से अपनी यहाँ पर हमारे कार को स्पिन कर लेते हैं 8880। यहाँ पर हमारी हमारे कार का चीट कोड नंबर है। उसके बाद फटाफट से निसान जीटीआर कार को स्पिन करते हैं 3005 है हमारे निसान जीटीआर कार का चीट कोड नंबर। फटाफट से निसान जीटीआर के अंदर बैठते हैं, इन दोनों को यहाँ पर बीच में खड़ा करते हैं। इन दोनों के अंदर तो बैठने का बटन तो यहाँ पर कार वाला ही आता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, मतलब कि निसान जीटीआर कार को यहाँ पर मैंने खड़ा कर दिया। अब इन दोनों के अंदर यहाँ पर हम लोग को बैठने का बटन यहाँ पर आ जाना चाहिए, बटन तो वैसे एक ही आ रहा है। फटाफट से मैंने बटन दबा दिया, आप सब लोग देखते हो निसान जीटीआर कार का भी अंदर यहाँ पर मेरा करेक्टर बैठ चुका है। मेरा करेक्टर तो निसान जीटीआर कार के अंदर बैठा है एंड यहाँ पर दरवाजा तो हमारी हमर कार का भी यहाँ पर खुला था। पर आप सब लोग यहाँ पर देखो मेरा बंदा यहाँ पर निसान जीटीआर कार को यहाँ पर चला रहा है और यहाँ पर जो हमारी हमर कार है वो यहाँ पर एक जगह पर खड़ी हुई है। पर हमर कार का जो यहाँ पर दरवाजा है वो यहाँ पर आप सब लोग देखते हो वो यहाँ पर हमारा रोटरेट हो रहा है। अब देख सकते हो अब यहाँ पर दरवाजा बंद हो गया, पर यहाँ पर आप सब लोग ने देखा होगा कि हमारा जो हमर कार का दरवाजा है वो भाई साहब अंदर से लेके बाहर से मतलब की 360 यहाँ पर रोटेशन कर रहा है। पर आप सब लोग यहाँ पर ये देखो मैं हमर कार के अंदर मतलब की निसान जीटीआर कार के अंदर बैठा हूँ।
और निशान जीटीआर कार के अंदर फर्स्ट पसंद करता हूँ, तो भाई साहब यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा ऊपर दिखाता है। निशान जीटीआर कार से मैं उतर गया, फटाफट से हमर कार के पास चलते हैं, फिर देखते हैं कौन सा मैजिक होता है। बाकी यहाँ पर देखो जॉयस्टिक को मूव कर रहा हूँ या फिर नहीं भी कर रहा हूँ, तो अभी हमारी हमर कार का यहाँ पर जो डोर है वो 360 रोटेशन कर रहा है। पर यहाँ पर देखो हमर कार के पास जैसे आया तो भाई सब यहाँ पर हमारा टेलीपोर्टेशन वाला यहाँ पर हमारा मैजिक हो चुका है। लोग यहाँ पर देखो मैं जैसे ही अब यहाँ पर जितनी बार भी यहाँ पर हमर कार के पास जाऊंगा, इस वाले दरवाजे के पास जाऊंगा, तो मेरा कटर यहाँ पर टेलीपोर्ट होता रहेगा। तो यहाँ पर ये वाला मेथ हमारा कन्फर्म होता यार यहाँ पर दोस्तों ये वाला हमारा। तो गाइस यार बस आज की हमारी वीडियो के अंदर बस कुछ इतने मैसेज हो कि आप सब लोग ने मुझे कमेंट किया और मैंने अपनी वीडियो के अंदर ट्राई करो, उसमें से कुछ मैथ हमारे कन्फर्म हुए और कुछ मैथ हमारे यहाँ पर बस्टेड हुए। तो गाइस अगर आप लोग हमारी वीडियो पसंद है तो फटाफट से हमारी वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप लोग के पास अपना कोई मैसेज हो तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे अपना मैथ कमेंट कर सकते हो। आप लोग के मैथ को हम लोग अगली वीडियो के अंदर जरूर ट्राई करेंगे। तो बस आज की वीडियो के अंदर बस कुछ इतना था, बाकी आप लोग मेरे चैनल पर जाकर मेरी बाकी वीडियो भी देख सकते हो, उसके अंदर आप लोग मजा आने वाला है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल यार गाइस।